हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल मैथ्स विथ गबरू में। तो यार, आज की क्लास में हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने एनसीईआरटी के एग्जांपल सॉल्व कर लिए थे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्शन फोर्स लगाते हो तो वो ऑब्जेक्ट तुम्हारे ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। क्या? फॉर इंग्लिश में बोलता हूं, तुमने सुना ही होगा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कि अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इसी फोर्स से हमारी एक कहावत भी बनी है, जैसी करनी वैसी बरनी, कि भाई जैसा तुम काम करोगे वैसा ही काम होगा। कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला, और कर बुरा तो हो बुरा। ठीक है, ये कहावत इसी न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ही ली गई है। ठीक है, तो समझ में आया क्या? एक बार इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारा बंटी भाई साहब है और यहाँ पर एक बॉक्स पड़ा हुआ है। बंटी भाई साहब को क्या हुआ, अपने जिम जा रहा था बहुत 4-5 महीने से, बॉडी इसके देखो बाइसेप्स आ चुके हैं। तो इसको क्या अपनी ताकत दिखानी थी, तो ये फ्री बैठा था और बॉक्स भी आराम से पड़ा था। तो इस बंटी ने क्या करा, इस बॉक्स के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो बॉक्स बोला, भाई मैं शांति से बैठा हुआ हूं, ना काम ना काज, तू आगे 10 न्यूटन का फोर्स क्यों लगा रहा है? तूने लगाया, चल अब मैं भी लगाऊंगा। तो 10 न्यूटन का फोर्स जब बॉक्स के ऊपर बंटी ने लगाया तब बॉक्स ने भी बंटी के ऊपर कितने का फोर्स लगा दिया, 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ये हो गया हमारा एक्शन फोर्स, ये हो गया हमारा एक्शन फोर्स। एक्शन क्यों? क्योंकि स्टार्ट बंटी ने किया, तो बंटी ने अपना एक्शन स्टार्ट कर दिया। अब इस एक्शन के कारण इस बॉक्स ने अपना रिएक्शन दिया, तो ये हो गया मेरा रिएक्शन फोर्स। तो भाई डेफिनेशन एकदम संपूर्ण हो गई, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बॉक्स ने भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया लेकिन बॉक्स ने क्या करा, अपोजिट डायरेक्शन में लगाया। बंटी ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया था तो बॉक्स ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन ट्रू हो गई कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगला एग्जांपल देखते हैं। ये है तुम्हारे स्कूल के मास्टर जी और ये है हमारे स्कूल का सबसे शरारती बच्चा। ये मस्ती कर रहा था बहुत खतरनाक वाली, टीचर ने उसको उठाया, बोले चल खड़ा हो जा, बता न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। ये शांत, इसको नहीं आता। बता न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। ये शांत भाई साहब, इसको नहीं आता। बता न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। ये एकदम शांत, नहीं आता। ये बोला, मैम ऐसे बार बार टॉर्चर मत करो, एक बार में 2-3 थप्पड़ मार के काम खत्म करो। तो भाई क्या हुआ, मैम ने आगे बुलाया और पटी टेप दे दी 5 न्यूटन के फोर्स से। ठीक है, क्या करा मैम ने, आगे बुलाया, बेटा आ जाओ इधर, आ जाओ खोपचे में, और पटी टेप दी 5 न्यूटन के फोर्स से। बंटी क्या हुआ, शुरुआत में थोड़ा सा सैड था, बोले यार मैम ने तो फालतू में 5 न्यूटन मार दी, 5 न्यूटन की झापड़ मार दी फालतू में बैठे बैठे। फिर क्या हुआ, ये बुक के पास गया और इसने बुक खोली और न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसके दिमाग में चमकी कि भाई जब मैम ने मेरे गाल पे 5 न्यूटन का चाटा मारा ना, तो मेरे गाल ने उनके हाथ पे मारा 5 न्यूटन का, मैं बराबरी करके आया हूं, जब मैम ने मेरे गाल पे 5 न्यूटन का चाटा मारा तो मैंने हैंड टू हैंड अपने गाल से मैम के हाथ पे 5 न्यूटन का चाटा मारा है, तभी तो मैम का हाथ भी लाल हो गया। मैम ऐसे ऐसे कर रही थी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो स्टंट लौंडा, और मैम ऐसे ऐसे हाथ झटक रही थी क्योंकि मैम का हाथ लाल हो गया। क्यों लाल हुआ, क्योंकि मेरे गाल ने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है।
तो भैया बंटी की उदासी खत्म हो गई पूरी की पूरी न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़ के। समझ में आया क्या हुआ? मैम ने मारा, मेरे गाल ने वापस मार दिया। तो तुम भी है ना बुरा मत माना करो जब कोई झापड़ मार के चले जाए। तुमने हैंड टू हैंड रिप्लाई कर दिया है, अब वापस रिप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है चलो भाई एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ एक चीज और इसके अंदर मुझे बतानी है कि भाई जो एक्शन और रिएक्शन होता है ना, एक्शन एक फोर्स है और रिएक्शन एक फोर्स है, ये दोनों अलग अलग बॉडी पे लगता है। अलग अलग बॉडी का मतलब भैया देखो, एक्शन फोर्स लगा मेरे बॉक्स के ऊपर एंड रिएक्शन फोर्स लगा मेरे बंटी के ऊपर। तो बंटी और बॉक्स दोनों अलग अलग बॉडी है, तो एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक बॉडी पे नहीं लगता। अभी भी क्लियर नहीं हो रहा? अभी भी क्लियर नहीं हो रहा? देखो भाई, तुमने किसी कुर्सी के ऊपर फोर्स लगाया तो एक्शन फोर्स लगेगा कुर्सी के ऊपर। अब कुर्सी भी तुम्हारे ऊपर सेम फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, वो होगी मेरी रिएक्शन फोर्स और वो लगेगी तुम पे। तो एक्शन किसी एक पे लगेगा तो रिएक्शन किसी और पे लगेगा। भाई जो एक्शन लगाएगा तो वो किसी ऑब्जेक्ट पे लगाएगा, अब वो ऑब्जेक्ट रिएक्शन लगाएगा तो किसी और ऑब्जेक्ट पे लगाएगा। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडी पे लगती है। तो यहां पर एक नोट डाल के भी लिख देना छोटा सा नोट, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर लगते हैं। भाई समझ में आ गया? भाई एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ दोस्त, हमने न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन अच्छे से समझ लिया एग्जांपल के साथ। अब हम न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। प्रैक्टिकल मतलब जो तुम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते रहते हो, जो अपने आजू बाजू इस गली उस गली या अपने मोहल्ले में देखते रहते हो, उन एग्जांपल के बारे में देखते हैं। क्यों भाई? क्योंकि यार फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज ऑल अबाउट फन। हम हमारे आसपास में फिजिक्स को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो अगर महसूस कर सकते हैं आसपास, तो दूर काहे जाए भाई। आसपास के ही एग्जांपल उठाते हैं। तो भाई पहला एग्जांपल उठाते हैं, तुम एक बॉल ले और बॉल को क्या करो, पट से जमीन पे मारो। जैसे ही तुम जमीन पे मारोगे क्या होगा, बॉल डस जाएगी। मिट्टी में मत मारना, कॉन्क्रीट सरफेस पे मारोगे। जैसे ही बॉल को मारोगे तो क्या बॉल जमीन के अंदर छेद करके निकल जाएगी क्या? भाई ऐसा तो मैंने देखा नहीं। मैंने तो देखा है अधिकतर बॉल क्या होती है, वापिस से उछलती है। बॉल क्या करती है? वापिस से उछलती है। ठीक भाई, तो वो उछलती क्यों है? मैंने तो बॉल को नीचे फोर्स लगाया ना, तो वो ऊपर कैसे आ रही है? भाई तुमने कभी देखा ये मार्कर मेरे हाथ में पड़ा है और ये अचानक से उछल गया बिना फोर्स लगाए? ऐसे मार्कर पड़ा है, मैं आंखें बंद करके बैठा हुआ हूं और तुमने देखा कि ये मार्कर भाई साहब ऊपर जा रहा है। ऐसे कभी हुआ है तुम्हारे साथ? हुआ है कभी? नहीं हुआ। तो बॉल के ऊपर जब मैंने फोर्स नीचे लगाया तो नीचे जाने की बजाय वो ऊपर कैसे आ गई भाई? तो वो ऊपर क्यों आई, अब मैं लॉजिक बताता हूं। तुमने क्या करी, बॉल ली और बॉल को स्ट्राइक किया सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो बॉल ने क्या करा, सरफेस के ऊपर फोर्स लगाया। बॉल ने क्या करा, सरफेस के ऊपर फोर्स लगाया। तो सरफेस ने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा था, उसने कहा कि भाई इसने मेरे ऊपर एक्शन फोर्स लगाया है तो मैं इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाऊंगी, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। तो बॉल ने सरफेस के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगाया तो सरफेस ने बॉल की तरफ ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, और बॉल के ऊपर जैसे ही ऊपर की तरफ फोर्स लगा बॉल ऊपर उचकेगी।
तो फर्स्ट एग्जांपल ये रहा, इसकी लैंग्वेज तुम यहां से कॉपी कर लेना स्क्रीनशॉट में। अगला एग्जांपल है कि भाई तुम जमीन के ऊपर चलते कैसे हो, जमीन के ऊपर चलते कैसे हो भाई, क्यों? क्योंकि यार तुम्हें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रेस्ट से चलाना है तो उसके ऊपर फोर्स लगना चाहिए। तो लेट सपोज तुम मूव कर रहे हो तो तुम्हें दिख रहा है क्या तुम्हारे ऊपर कोई फोर्स लग रहा है? मेरे पीछे कोई भूत खड़ा है क्या जो मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है जो मैं मोशन में आ गया? नहीं ना भाई, कोई भूत भूत तो है नहीं, मैं तो ऐसे चल रहा हूं। और न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर किसी बॉडी को चलाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। और मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा भाई साहब कि मेरे पीछे कोई मुझे चला रहा है या भूत चला रहा है कोई, तो कैसे चल रहा हूं मैं? तो यार इसके पीछे भी न्यूटन्स के थर्ड लॉ का लॉजिक है। जैसे ही तुम चलते हो तो तुम अपने पैरों की पोजीशन नोटिस करना कि जब तुम चलते हो ना तो तुम अपनी नीचे वाली फ्लोर के ऊपर पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो। जैसे ही तुम अपने नन्हे करने कदम लेके जमीन पर चल रहे हो तो तुम क्या करते हो, पीछे की तरफ फ्लोर को ढकेलते हो, पीछे की तरफ ढकेलते हो फ्लोर को, और फ्लोर क्या करती है तुम्हें आगे की तरफ धक्का देती है, और उस आगे की तरफ धक्के देने के कारण तुम चल पाते हो। समझ में आया? ध्यान से समझो, तुम जब भी चलते हो तो चलते वक्त तुम अपने पैरों से जमीन को पीछे की तरफ धक्का मारते हो, ठीक है? चलते वक्त अपने पैरों से जमीन को पीछे की तरफ धक्का मारते हो। और न्यूटन्स के थर्ड लॉ के हिसाब से अगर तुम जमीन को धक्का मारोगे तो जमीन भी तुम्हें धक्का मारेगी, और जमीन तुम्हें कहाँ धक्का मारेगी, आगे की डायरेक्शन में धक्का मारेगी, और उस आगे की डायरेक्शन में धक्के के कारण ही तुम चल पाते हो। समझ में आया? ये दो एग्जाम्पल एक बार नोट करो, हम थोड़े बहुत तीन चार एग्जाम्पल और पढ़ेंगे जिससे न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कतई क्लियर हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें कभी डाउट नहीं आएगा। तो इसके स्क्रीनशॉट लो, हम अगले एग्जाम्पल सीखेंगे फिर। हाँ दोस्त, अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल भी तुमने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, जब तुम बोटिंग करने जाते हो किसी भी पार्क वगैरह में या कहीं पे भी बोटिंग करने गए होगे, तो जब तुम बोटिंग करके लौट रहे होते हो तो लौटने का मन तो नहीं होता, फिर भी लौटना पड़ता है, और जब तुम अपने बोट से उतरकर वापस से स्टैंड पर जा रहे होते हो तो तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही तुम स्टैंड की तरफ कूदते हो बोट जो है पीछे की तरफ चले जाती है। भाई बहुत डर लगता है मुझे तो, भाई बोट में चढ़ने के वक्त भी बहुत डर लगता है और बोट से उतरने वक्त तो और ज्यादा लगता है, क्योंकि लगता है बोट पीछे जा रही है। तो वो बोट पीछे क्यों जा रही है उसका अपन एक्सपीरियंस करेंगे आज न्यूटन्स के थर्ड लॉ के हिसाब से। तुमने ऑब्जर्व किया होगा ना कि जैसे ही तुम बोट से उतरते हो बोट पीछे की तरफ भाग जाती है। भाई तो वो क्यों भागती है, क्या चक्कर है कि वो भाग रही है? क्या उसको दूसरी सवारी मिल गई उधर जो भाग रही है, या कोई साइंस का कंसेप्ट है, या कोई भूत भूत है जो उसको पीछे खींच रहा है? तो अपन उसको डिस्कस करते हैं। देखो यार क्या होता है, ये तुम हो, थोड़े पतले हो गए हो लेकिन फिर भी तुम हो, और तुम बोर्ड के ऊपर खड़े हो अभी। जैसे ही तुम अपना एक पैर आगे लाते हो तुम्हें क्या करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, और तुम्हें पता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर मुझे जाना है तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। अब तुम पीछे वाले भाई साहब को तो बोलोगे नहीं कि भाई मुझे धक्का दे दे तो मैं आगे जाके गिर जाऊं, तो तुम क्या करोगे, बोट के ऊपर पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे। तो बोट न्यूटन्स के थर्ड लॉ के हिसाब से तुम्हारे ऊपर आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, और उस फोर्स के कारण तुम यहां पहुंच जाओगे, और जो फोर्स तुमने बोट को दिया है उसके कारण बोट पीछे चली जाएगी। समझ में आया क्या हुआ? तुमने क्या करा, बोट को पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगाया। क्यों? क्योंकि तुम्हें खुद को आगे जाना है, और उस पीछे की डायरेक्शन में फोर्स के कारण बोट ने तुम्हारे ऊपर रिएक्शन लगाया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो तुम कहां चले गए, तुम चले गए आगे और बोट चली गई पीछे, ठीक है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
ये तो हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल भी तुमने देखा होगा, इसको तुमने खुद ने से और शायद ही एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन अगर कभी देखा हो या मेले वगैरह में गए हो, तो मेले वगैरह में जब भी तुम जाते हो वो छर्रे वाली बंदूक चलाई जिससे अपन बलून फोड़ते, वो तो फोड़ी होगी, रियल लाइफ में तो गन शायद ही चलाई हो, फिर भी चला रखी हो तुमने, क्या पता टैलेंटेड बच्चे हो तुम, मैंने तो नहीं चलाई है ना, और ना ही मैंने कभी चलाते हुए देखी है रियल लाइफ में, मैंने वो आज तक केवल वो पिक्चरों में देखी है, यहाँ तो ठाउं 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 वाली, या फिर मैंने देखी है वो मेले के अंदर जो मैंने खुद ने चलाई है। तो वहां पे अगर तुम अगली बार जाओ तो ध्यान से एक्सपीरियंस करना, जैसे ही तुम क्या करते हो अपना गुब्बारे पे मस्त निशाना लगाते हो और ठक से गन चलाते हो, तो जिस पॉइंट पे तुम गन चलाते हो ना, तो जैसे ही बुलेट निकलती है तुम्हारी बंदूक पीछे की डायरेक्शन में आती है थोड़ी सी, ऑब्जर्व करना। पबजी खेलते हो ना, पबजी में भी देखना, शायद पबजी में भी मैंने एक बार देखा हुआ है कि जैसे ही हम गन चलाते हैं ना, तो बुलेट निकलते ही गन पीछे आती है, तो वो गन पीछे क्यों आती है, इसको कहते हैं रिकॉइल होना, तो वो गन पीछे क्यों आ रही है, उसका लॉजिक क्या है, क्या ये साइंस है या फिर गन को मजा आ रहा है पीछे आने में, गन बोल रही है मैं थोड़ा पीछे आके मारूंगी, मैं इतना आगे से नहीं मारूंगी, या ये है। तो अपन पढ़ते, देखो यार जैसे ही तुम बुलेट चलाते हो किसी के ऊपर भी तुमने तमंचा ठोक दिया, बोले यार अब तो ठोकूंगा तेरे को, ठीक है, तुमने बोला यार अब बहुत हो गया, बहुत परेशान हो गया मैं तेरे से, अब तो तेरे को मार के दम दूंगा, तुमने बंदूक टाक दी और गोली चलाते हो, जैसे ही तुमने गोली चलाई तो क्या होता है कि जो गन है ना वो बुलेट के ऊपर फोर्स लगाएगी, क्या है, जो गन है ना वो बुलेट के ऊपर फोर्स लगाएगी, भाई यार बुलेट को बाहर इतनी रफ्तार से फेंकना है तो उसके ऊपर कुछ फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना, तो वो जो गन है ना वही फोर्स लगाती है बुलेट के ऊपर, तो बुलेट के ऊपर फोर्स लगाया, अब बुलेट बोलेगी भाई गन तूने अगर मेरे पे फोर्स लगाया है तो मैंने क्या चूड़ियां पहन रखी है, मैं भी तेरे ऊपर फोर्स लगाऊंगी, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से बुलेट भी गन के ऊपर फोर्स लगाती है उतना ही जितना गन ने लगाया है, लेकिन कहा अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस फोर्स के कारण गन जो है रिकॉइल होती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, तो इन दोनों नोट्स को एक बार लिख लो, फिर अपन एक दो एग्जांपल और दिखेंगे जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे आज के लेक्चर को, स्क्रीनशॉट लो। हाँ दोस्त, अब हम देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का लास्ट एग्जाम्पल। लास्ट एग्जाम्पल में हमसे पूछा है कि भाई जो रॉकेट्स होते हैं और जेट्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, मतलब जो रॉकेट है वो आसमान में कैसे उड़ता है, ठीक है। तो यार क्या होता है, अपन को पता है रॉकेट में क्या डलता है, फ्यूल डलता है, ठीक है, रॉकेट में क्या डलता है, फ्यूल डलता है। अब क्या होता है जब वो रॉकेट इस फ्यूल का यूज करता है तो वो फ्यूल को बर्न करता है, ठीक है, जब रॉकेट फ्यूल का यूज करता है तो फ्यूल को बर्न करता है, फ्यूल को बर्न करने से क्या होता है कि रॉकेट के अंदर गैस इकट्ठी होती है। लेट सपोज ये मेरा रॉकेट है, तो जैसे अभी इसके अंदर फ्यूल पड़ा है तो ये फ्यूल को बर्न करेगा तो इस रॉकेट के अंदर गैस इकट्ठी हो जाएगी, इस रॉकेट के अंदर गैस इकट्ठी हो जाएगी, तो जैसे ही इस रॉकेट के अंदर गैस इकट्ठी हुई, अब ये रॉकेट क्या करेगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगा के इस गैस को बाहर निकालेगा, ये रॉकेट क्या करेगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगा के इस गैस को बाहर निकालेगा, तो नेक्स्ट कंडीशन में गैस तो बाहर आ जाएगी, लेकिन गैस के ऊपर जब फोर्स लगा तो गैस ने क्या बोला कि भाई अगर तू मेरे ऊपर फोर्स लगा सकता है तो मैं भी तेरे ऊपर फोर्स लगा सकती हूं, तो गैस ने न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन एंड रिएक्शन लगाया, तो गैस ने रिएक्शन कहां लगाया, रॉकेट के ऊपर, ऊपर की डायरेक्शन में, तो रॉकेट कहां मूव करा, ऊपर, तो अब समझ में आया रॉकेट ऊपर क्यों मूव करता है, क्यों, क्योंकि गैस क्या लगाती है उसके ऊपर, रिएक्शन फोर्स, इसकी लैंग्वेज तुम यहां से लिख दो। हाँ दोस्तों, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है, आज के लेक्चर में हमने न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़ा और उसके ऊपर बेसिक एग्जांपल्स देखे और रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखे, तो नेक्स्ट लेक्चर हम डालेंगे कल, चलो
तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, घर पे रहिए, टाटा एंड बाय बाय फ्रॉम मैथ्स विथ